यार के जो डेली एक्टिविटीज थे वहाँ का सिंपल सा, जिस तरह एक बच्चा खेलते हैं उसी तरह, मतलब पढ़ाई का कोई चिंता नहीं थी, तो ऐसे में कोई एक्टिविटी नहीं थे। और मेरे परिवार के साथ ईंट पथाई का काम था, तो 2 जुलाई 2018 को यहाँ पे आया था। मतलब उस दिन प्रोग्राम भी था यहाँ पर हमारे यहाँ, और उस दिन बहुत धूमधाम से सभी बच्चों को स्वागत किया गया, जिसमें बहुत बच्चे मौज मस्ती बहुत किए यहाँ पे आए। उस दिन सबसे गाने सुने गए, और उस दिन ऐसे बहुत प्रोग्राम हुए जिसमें कुछ बच्चे जो थे रो भी रहे थे अपने परिवार से जब वो अलग हो रहे थे। और मैं उस दिन बहुत डरा हुआ था और काफ़ी खुश भी था, क्योंकि ये पहला चांस मिला था मुझे कि हॉस्टल में आने को, और उस दिन अपने परिवार से भी दूर हो रहा था तो रोना भी आ रहा था। ऐसा पहला पल था जो इस तरह हो रहा था मेरे साथ। सुंदरता है बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो हमें अच्छे लगते हैं इनके साथ रहना। यहाँ के खाना पसंद है, यहाँ रहना, जो यहाँ फैसिलिटीज है ये हमें बहुत पसंद है। और जो यहाँ का जो पूरा जो दिखावट जो है, पूरा मतलब बाहर की जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी अच्छी है, और वो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। खेलना जैसे कि गाना गाना, क्रिकेट खेलना, और बाकी चीजें, कहानियां सुनना, ये हमें पसंद रहता है और ये हमारी हॉबीज हैं यही सब। अभी एक चैट प्रधान है, ये जो मेरा एम है बदलते रहते हैं समय पर। वैसे में तो मेरा एम जो है पूरा आर्मी बनने का है, लेकिन अभी ये नहीं मालूम आगे जाकर क्या होगा। अभी पढ़ाई के हिसाब से अच्छी चेंज होते रहते ना।